मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। दो कोरोना पॉजिटिव जिनकी दोबारा जांच करने के बाद सिविल हॉस्पिटल की जानिब से उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। पेश है रिपोर्ट। आज 21/4/2020 दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। ये पहले पॉजिटिव पाए गए थे, इसके बाद इनको 14 दिन के आइसोलेशन में रखा गया था। उसके बाद उनकी दोबारा जांच हुई, फिर वो नेगेटिव पाए गए। इसके चलते बीम्स के डायरेक्टर विनय दास्तिन को और डॉक्टर दांडगी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट इनकी हिदायत पर उनको डिस्चार्ज किया गया। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಲುವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಂತಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಎರಡು ಸ್ವಾಬ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 128 and 148. ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 128, ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 148. ಒಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬಾಗೇವಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕುಡಿಸಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಅವರ ಎರಡು ಸ್ವಾಬ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಗಮುಕ್ತರಾಗಂತ ಏನಂತಾರೆ ಕರಿಬಹುದು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಅವರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 14 ದಿವಸ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಸ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಬಿ 18/4/2020 ಕೋ बेलगुंदी के 70 साल बुजुर्ग शख्स को भी सियाताब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था। बेलगाम की आवाम को खुशी की बात यह है कि मरीज सियातमंद होकर अपने घर जा रहे हैं और कोरोना का कहर कम होता नजर आ रहा है। जिस तरह मरीज सियाताब होकर जा रहे हैं उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द अज जल्द हम कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर योद्धाओं का और उनकी टीम का हम क्राइम न्यूज की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्राइम न्यूज से बात करते हुए जनाब गफूर घी वाले, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन और एक बहुत ही मायानास सोशल वर्कर अमीन पट्टेकर ने बहुत खुशी का इजहार किया और तहे दिल से डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहर बेलगाम के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से घबराए हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो दो रोज कबल हमारे नन्नू साहब शाहपुर वाले बेलगुंडी के सियातयाब होकर अपने घर चले गए, इसी तरीके से आज यास्मीन जैनुल आबिदीन नवाज ये कुर्ची के हैं जिनका पहले पॉजिटिव आया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज नेगेटिव आया है। और गुलफाम बागवान ये बागेवाड़ी के हैं, इनके पहला पॉजिटिव था, आज इनका भी नेगेटिव आया है। सबसे बड़ी मुबारकबाद के काबिल हैं वो डॉक्टर हजरात जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। मैं और आज शहर बेलगाम के तमाम वासियों की जानिब से डायरेक्टर साहब, हमारे दास्तिक सर, गिरीश डांगे सर, डॉक्टर काजी साहब जो सर्जन हैं और इनके साहब इनके साथ जो है जो दिन रात नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं जो खिदमत कर रहे हैं भीम्स में, काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस बीमारी को एक सियातयाबी के लिए लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट कमिश्नर साहब जो दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसके मासबा डीसी साहब कुतुब अमन अली साहब जो इन तमाम पर निगरानी रखे हुए हैं, हर वक्त खिदमत कर रहे हैं। हम इन तमाम को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। शहर फहरिस्त
सदर अंजुमन आसिफ नूरुद्दीन शेठ साहब, सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ीवाले साहब, और मेडिकल लाइन में अब्दुल कादर घी वाले और हमारे अमीन भाई जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, काबिले मुबारकबाद है। और जो भी हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं वो भी घबराए नहीं, धीरे धीरे जो है अपने घरों को लौट जाएंगे। जहाँ पर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स नहीं हैं बल्कि उन्हें आराम के लिए रखा गया है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपने घरों को चले जाएंगे। मेरी दरख्वास्त और गुजारिश उन लोगों से है जो घरों से बाहर घूम रहे हैं, इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए कि इसकी हिफाजत अपने घरों में रहने में हिफाजत है, अपने घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकले। अपने बच्चों की हिफाजत इसी में है कि बच्चों को कहीं बाहर ना छोड़े, अपनी बूढ़ों की हिफाजत इसी में है कि अपने बूढ़ों को अपने घरों में रखें। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि तमाम जो है दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है, ये सिर्फ शहर बेलगाम में बीमारी नहीं है कि पूरी दुनिया में बीमारी फैली हुई है। अल्लाह ताला जो भी इस बीमारी में मुब्तिला है अल्लाह ताला इन्हें सेहत याबी नसीब फरमाए। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द जो है जो बीमार हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और तमाम दुनिया में जो है और हिंदुस्तान में अमन अमान को कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दो पेशेंटों को डिस्चार्ज दिया गया, एक उसमें गुलफाम बागवान है बागेवाड़ी के, जो हमारे दूसरे नंबर के पॉजिटिव पेशेंट थे, आज उनको डिस्चार्ज दिया गया। और उसके बाद कुर्ची के यास्मीन नवाज जो जैनुल अबिदीन के घर वाले हैं, वाइफ हैं, उनको भी आज डिस्चार्ज दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कुल मिलाकर 3 पेशेंटों को अभी तक डिस्चार्ज दिया गया है। परसों किसे दिए थे? परसों हमारे नन्नू साहब शाहपुर वाले बेलगुंदी, उनको डिस्चार्ज दिया गया था। आज 2 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। और इसके अलावा बाकी दास्ती कोप सर वगैरह से बात हुई तो बोले कि तमाम पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह सही है, सबकी तबीयत अच्छी है, इंशाल्लाह करीब आजकल में 2-4 दिन के अंदर और 4 पेशेंटों को डिस्चार्ज देने की उम्मीद है। अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर जनाब राजू सेठ और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब गफूर घीवाला, अमीर शरिया की जानिब से जो हिदायत रमजानुल मुबारक के बारे में जारी की गई थी उन्होंने इसे बताया। अंजुमन इस्लाम और बेलगाम शहर के तमाम उलमाए इकराम से बात हुई और सभी का यही फैसला है कि जो कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है पूरे मुल्क में, उस हिसाब से सभी को ये एडवाइस दी जाती है कि नमाजें और तरावे अपने घर पे पढ़ें और मस्जिद से नो डेसिबल में बहुत धीमी आवाज में अज़ान होगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर और माइनॉरिटीज का ऑर्डर भी है और सिर्फ 3 या 4 लोग जो इमाम साहब हैं, पेश बानी साहब हैं, मित्रजी साहब हैं और कोई एक 4 के ऊपर कोई मस्जिद में नमाज या तरावे ना पड़े। पूरे उलमा इकराम ने यह फैसला लिया है। हम ये भी कहना चाहते हैं आपको कि जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, साफ रहे, हाइजीन रहे, अपने हाथ धोते रहे, डिस्टेंस मेंटेन करें,
और ससुर घर के बाहर ना आए तो बीमारी आपको भी लग सकती है या औरों को भी लग सकती है। ये सभी का ख्याल करना हमारा फर्ज है, हमारा मजहब हमें यही सिखाता है। हमने आज सुबह मंगल देव किसी साहब से भी बात की, उनसे भी मशवरा किया इस बारे में, उन्होंने भी कहा है कि वो इस ऑर्डर के बारे में और इंक्वायरी करेंगे और वो भी इसके बारे में आप तक प्रेस नोट देंगे या मीडिया और प्रेस में आके बात करेंगे। आप सबको रमजान मुबारक, अपना ख्याल रखें, जो ज़रूरतमंद है उन्हें उनके घर की चीज़ें जो है वो पहुँचाए, ज़कात दें, जो हमारे फ़र्ज़ हैं वो फ़र्ज हम पूरे करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी वक्फ बोर्ड अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम और बेलगाम के तमाम उलमा कराम की जानिब से हिदायत दी गई है कि लॉकडाउन के पेश नज़र रमज़ान मुबारक के रोज़ों और तरावियों के लिए खुसूसी हिदायत दी गई है, बगैर किसी शरे उज़्र के रोज़ा हरगिज़ न छोड़े। पंच वक्ताना नमाज़ें अपने घरों में ही अदा करें, मसाजिद का रुख हरगिज़ ना करें। इस तरह नमाज तरावी भी घरों में ही अदा करें। नमाज तरावी के लिए भी घरों में आसपास का मजमा हरगिज़ इकट्ठा ना करें, कहीं घरों के अफराद मिलकर भी मुसलमान ना बनाएं। खुसूसन रमज़ान मुबारक के अय्याम में बाहर घूमना फिरना हरगिज़ ना करें। लॉकडाउन के दौरान शहरी के अवकात में लाउड स्पीकर से जगाने का निज़ाम हरगिज़ ना करें। खरीद व फरोख्त के सिलसिले में हुकूमती अहकाम की मुकम्मल पाबंदी करें। 6 दिन या 10 दिन में ख़त्म कुरान का सिलसिला घरों में या मसल्ले पर हरगिज़ ना करें। मस्जिद में मुकीम मौज़िन या इमाम ख़त्म सहजी इफ्तारी का ऐलान मसाजिद से हज़ब मामूल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की दावत इफ्तारी पार्टी से मुकम्मल परहेज करें। रमज़ान मुबारक के अय्याम में ज़रूरतमंदों की खुसूसी खबरगिरी करें और अपने रिश्तेदार और दोस्त पड़ोसियों और गैर मुस्लिम मुस्तकीम का भरपूर तआवुन करें। रमज़ान मुबारक के मुबारक अयामों में खुसूसन इफ्तार और तहज्जुद के वक्त मुल्क और पूरे आलम इंसानियत की फलाह और बहबूदी के लिए नजात के लिए खुसूसन दुआओं का अहतमाम करें, ताकि ये जो मर्द बीमारी है अल्लाह ताला तमाम जो है इसमें शिफा याबी नसीब फरमाए। वालिदैन और सरपरस्त जिम्मेदार अहबाब अपनी औलाद और ज़ेर असर अफराद को हर ऐसे हरकत से बाज रखें जिससे मुल्क और मिल्लत के मुफाद के लिए नुकसान पहुँचते हो। नौजवानों से खुसूसी गुजारिश की गई है कि रात के वक्त टू व्हीलर वगैरह सवारियों में ना घूमें, बाहर निकलना सख्त मना है, कानून के खिलाफ वर्जी की सूरत में पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। खुसूसन रमज़ान मुबारक में जो हमेशा आप मदारिस को ताउन करते हैं, अपना ज़कात सदक़ात के ज़रिए से वो ताउन जारी रखें। हमारे शहर बेलगाम से आजिज़ाना गुजारिश है कि अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम में एक ज़कात फ़ंड अदारा ज़कात फ़ंड भी है, जिस पर मुस्तकीम के लिए जो भी गरीब नादर हैं हम उन तक इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो ज़कात की रकम उन तक पहुँचाई जाएगी। आपसे मोदीबाना गुजारिश है कि जो भी अपनी ज़कात वगैरह की रकम हो अंजुमन के इदारे में जमा कर सकते हैं।